वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस। हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं खड़ा हूँ बटवा स्टेशन पे आके, और मैं आज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ बटवा स्टेशन के बारे में। बटवा स्टेशन अहमदाबाद में आता है। मणिनगर स्टेशन पार करने के बाद आप अगर आप अहमदाबाद जंक्शन से चलते हो तो दूसरा स्टॉप होता है मणिनगर। आप बड़ौदा के साइड निकलोगे तो आएगा मणिनगर स्टेशन। उसके बाद आएगा तीसरा स्टेशन बटवा स्टेशन। तो मैं अभी आज बटवा स्टेशन पे खड़ा हूँ और आज आपको बटवा स्टेशन से ही बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ इसका विस्तार कैसा है, ये स्टेशन कैसा है, और यहाँ से कितने प्लेटफॉर्म हैं और कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। तो मैं आज आपको ये सब अपडेट देने वाला हूँ। सो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुलदीप के ब्लॉग्स वाले चैनल को, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और मैं आपको आज पूरा यहाँ का ग्राउंड जीरो से सब कुछ दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने ही एक मालगाड़ी आ गई है बटवा स्टेशन पे, और उस दूसरी तरफ पटरी पे खड़ी है एक दूसरी डीजल गाड़ी, जो डीजल ये भी डीजल गाड़ी है, ऐसी बात नहीं है, और ये डीजल वाला इंजन भी है दोस्तों, आप देख सकते हो। और मैं भी बटवा स्टेशन की अगर बात की जाए तो बटवा स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। अभी आज के एक साल पहले बटवा स्टेशन कुछ दूसरी प्रकार का था, छोटा था स्टेशन, बट अभी इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया स्टेशन को बना के। आप देख सकते हो यहाँ पे विस्तार कैसा इसका। सबसे फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म है तो इस साइड में आता है, उस साइड में आता है, और पहली जो पटरी है वो ये वाली है, नंबर एक पटरी जो है ये वाली है, फर्स्ट पटरी है। सामने ही बटवा GIDC का ये ब्रिज, जो इसी ट्रैक की वजह से ऊपर बनाया गया इस ब्रिज को, और सामने ही ये गाड़ी जो आई हुई है अभी तक, ये वाली गाड़ी ये कालूपुर से चल के आई हुई है, अभी जाके आगे स्टॉप करेगी, शायद तक आगे इसको जाना नहीं है इसलिए गाड़ी इतनी स्लो चल रही है, और ये गाड़ी यहाँ पे स्टॉप करेगी। तो दोस्तों अगर इस स्टेशन की बात की, स्टेशन की लंबाई की बात की है, तो स्टेशन लगभग 500 से 600 मीटर की लंबाई में है स्टेशन, और स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं, 5 प्लेटफॉर्म वहाँ पर 5 तरफ आके गाड़ियाँ रुक सकती हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो जिस पर अभी मैं चल रहा हूँ और जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वाला प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वहाँ भी कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ तक ये प्लेटफॉर्म है, और इस तरफ ये प्लेटफॉर्म यहाँ तक है। ये अहमदाबाद साइड का रास्ता है, इस तरफ अहमदाबाद साइड आता है, और अगर हम इस तरफ कैमरा करते हुए चलेंगे तो इस साइड बड़ौदा के साइड आ जाएगा। जैसा कि प्लेटफॉर्म नंबर एक उधर है, प्लेटफॉर्म नंबर एक वो है, 2 ये है, और 3 ये, और 4 उधर, प्लेटफॉर्म 4 हैं इधर, टोटल 4 प्लेटफॉर्म हैं, और यहाँ पर दिन में लगभग 100 से 200 गाड़ियाँ गुजर जाती हैं यहाँ से। और स्टेशन पहले जो था वहाँ पे आप देख सकते हो सामने ही वो प्लेटफॉर्म, वो वाला प्लेटफॉर्म जो है अभी तो छोटा है, इस वाले प्लेटफॉर्म से वाला प्लेटफॉर्म छोटा है, वहाँ का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, अभी वो तोड़ा जा रहा है, फिर आगे के साइड उसको बनाया जाएगा। लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर भी रेलवे अपना गाड़ी यहाँ से ही बना के बाहर के साइड भेज सकता है, क्योंकि कालूपुर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण यहाँ से भी गाड़ी भेज सकता है दोस्तों। देख सकते दोस्तों एक और गाड़ी भी हम यहाँ पे खड़े थे, 3 गाड़ियाँ टोटल यहाँ से गुजर चुकी हैं, ये तीसरी गाड़ी है। वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस। आप सामने की साइड ही देख सकते हो लिखा हुआ है बटवा, ये बटवा स्टेशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, बटवा स्टेशन कैसा है, बटवा स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे काम चालू ही है, ऐसा बात नहीं है काम बंद नहीं है, काम चालू ही है,
उस तरफ का जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जा रहा है अभी। हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ कि ऊपर के साइड और मैं आपको यहाँ से अब दिखाने वाला हूँ बटवा स्टेशन के ऊपर के साइड से कितना अच्छा बटवा स्टेशन दिखता है और किस प्रकार से दिखता है। और यहाँ से लगभग अच्छा बन गया ऊपर का। पहले ये जो भी जीने पे मैं खड़ा हूँ ये जीना नहीं था, अभी ये जीना हाल में बना हुआ, लगभग साल भर के भीतर में बना हुआ है। सो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को यही बताया जाए कि बटवा स्टेशन का कितना बदलाव हो चुका है, बटवा स्टेशन किस प्रकार से। पहले यहाँ से लोकल गाड़ियाँ गुजरती थी जो रुकती थी, बट जब से कोरोना आया तब से यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ आना बंद हो गई, रुकना बंद हो गई। फिर एक्सप्रेस ही आती हैं, एक दो डेमो हैं जो आती जाती रहती हैं, तो वो खाली एक दो ही हैं। सुबह शाम जो जैसे GRDC में आने वाले लोग हैं उनके लिए वो आती है बड़ोदरा से, अहमदाबाद से, तो बस इतना ही है। भी मैं आपको पीछे कैमरा करके कुछ और दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो बीच में दोनों दो रेलवे पटरी है, आगे से चार हो गई हैं, जाके वहाँ से जाके चार हो गई हैं, उधर दोनों तरफ, वो दोनों तरफ कट गई हुई हैं। ये बीच वाला पार्ट है, ये दोनों बीच वाला पार्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर एक उधर है, ये दो और ये तीन, और उधर लास्ट वाला साइड में चार प्लेटफॉर्म हैं। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो इन तीन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। उधर तो खाली पर ज़्यादातर मालगाड़ी ही आके आती हैं, उधर रुकती हैं, ज़्यादातर ये तीन प्लेटफॉर्म पर आते हैं। और प्लेटफॉर्म का अगर वर्क दिखाऊँ तो अभी तक काम चालू ही है, आप देख सकते हो पूरा इस तरफ वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो टूटा फूटा होगा, पत्थर वगैरह रखे हुए हैं। इस तरफ का जो प्लेटफॉर्म है ये बन चुका है प्रॉपर तरीके से और काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी, लगभग 500 से 600 मीटर का जो ये प्लेटफॉर्म है बनने वाला है नए तरीके से। अभी इसके ऊपर आप देखो पत्थरा रखा नहीं गया, अभी लोखंड से खाली लगा के छोड़ दिया गया है पूरे प्लेटफॉर्म को। और बात करें अगर हम इस तरफ की, तो आप ये जीना देख सकते हो, जीना यहाँ से तीन जीना बनाया गया, एक इस तरफ और एक यहाँ और एक सबसे पहले वाले साइड पे। टिकट काउंटर हमारा इस साइड आएगा, अगर हम GRDC की तरफ से आते हैं तो सबसे फर्स्ट साइड पे, अगर हम बटवा गांव की तरफ से आते हैं तो हमको एक सीढ़ी चढ़ के उस तरफ जाना पड़ेगा, हमको तब टिकट काउंटर मिलेगा। और इस तरफ भी आप देख सकते हो, वो मालगाड़ी जो खड़ी थी उस तब से वैसे मालगाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हुई है, देख सकते हो ऊपर से कैसा दिखता है प्लेटफॉर्म, ये देख सकते हो आप। अगर बात की जाए पहले प्लेटफॉर्म की, तो ये है पहला प्लेटफॉर्म इस तरफ वाला, ये वाला ये पहला प्लेटफॉर्म है, उधर दूसरा प्लेटफॉर्म है। और ये पहला हमारा प्लेटफॉर्म होने की वजह से टिकट काउंटर हमारा इधर ही पड़ जाता है, फर्स्ट साइड पे इधर ही, ये साइड ही जो आपको नीचे का ये पतला साइड दिख रहा है, ये सब ये हमारा प्लेटफॉर्म है बटवा का स्टेशन है हमारा, टिकट हमको यहाँ मिलेगा इस तरफ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर आपको बटवा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल चुका हो, आप बटवा स्टेशन देख चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो गाइस तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको अहमदाबाद से बाकी अदर इंडिया से ऐसे अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ दोस्तों। चलो मिलते हैं आपसे अहमदाबाद से किसी और ऐसे स्टेशन के साथ, बाय।